27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुबई में होने जा रहे एशिया कप के लिए रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का चयन हुआ है, जिस पर हर्ष जताते हुए पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा होटल रीवा राजविलास में रीवा के क्रिकेट खिलाड़ियों एवं कुलदीप सेन के कोच शकील खान द्वारा कुलदीप सेन पिता रामपाल सेन को सम्मानित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विगत एक दशक से प्रधानमंत्री खेलो इंडिया खेलों के तत्वाधान में भारत के युवक के अंदर नई ऊर्जा का स्पंदन कर रहे हैं, जिसमें उनका वैदिक आर्थिक एवं क्रीडा संबंधित निश्चित किया गया। इसके आलोक में हमारी मेडल संख्या कॉमनवेल्थ में प्रमाणित कर रही है। युवाओं के सफलता की तथा एक छोटी जगह से आईपीएल क्रिकेट एवं भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होकर जाना एक नई ऊर्जा का भिंड में संचार कहलाया जा सकता है। रामपाल सेन जी द्वारा बताया गया कि कुलदीप के पास चेतन शर्मा का फोन आया, 5 मिनट बात हुई, उन्होंने 23 अगस्त की रात तक मुंबई पहुंचने को कहा। बुधवार को टीम दुबई के लिए रवाना होगी। कुलदीप सेन के कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि 18 सदस्यीय टीमों में बैकअप खिलाड़ी स्टैंड बॉय के रूप में श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और अक्षर पटेल का चयन हुआ था। चोट के कारण दीपक चाहर को ड्रॉप किया गया है, उनके स्थान पर कुलदीप सेन को चुना गया है। कुलदीप सेन का जन्म 28 अक्टूबर 1996 को रीवा जिले के ग्राम हरिहरपुर में हुआ था। पिता रामपाल सेन की सिरमौर चौराहे पर सलून शॉप है। तीन भाइयों में सबसे बड़े कुलदीप क्रिकेटर हैं। दूसरे नंबर के भाई राजदीप सेन का हाल ही में एमपी पुलिस में चयन हुआ है। तीसरे नंबर के जगदीप सेन कोचिंग चलाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आईपीएल के कई मैचों में कुलदीप ने 149 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फेंक चुके हैं। गरीब परिवार में जन्मे कुलदीप आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद 13 वर्ष की आयु से क्रिकेट खेल रहे हैं। कोच एरिल एंथोनी मुफ्त में क्रिकेट की बारीकियां सिखाई। घरेलू क्रिकेट और रणजी में शानदार प्रदर्शन के कारण राजस्थान रॉयल टीम ने आईपीएल में 20 लाख में खरीदा था। आईपीएल के कई मैचों में अच्छी गेंदबाजी के दम पर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। ऐसे में भारतीय टीम स्टैंड बॉय के रूप में शामिल हुए हैं। आप सब जानते हैं कि अपने रीवा से आज से कुछ वर्ष पहले एक और युवक निकल के भारत क्रिकेट टीम में पधारे थे, ईश्वर पांडे जी, और उन्होंने पहला शंखनाद किया। इस बीच में ऐसा लगा है कि भारत में तो तूफान आया ही है खेल के प्रति, लेकिन रीवा में वो उसकी कहीं ना कहीं एक परछाई अच्छी तरीके से आके दिख रही है कि 2-3 साल के अंतराल में ही एक बहुत छोटे से गांव इटार से निकले कुलदीप ने कुल का दीपक तो जगाया, वो देश के दीपक बन गए हैं। और जहाँ तक मेरी क्रिकेट के बारे में जानकारी है, आदरणीय शकील जी यहाँ पर विराजमान हैं और हमारे मित्र रोमी भिंडर जी जो राजस्थान रॉयल टीम के सिलेक्टर हैं और टीम मैनेजमेंट इंचार्ज हैं, तो रोमी सर और हम लोग जब अभी मिले थे, जिसकी हाल फोटो इसके पीछे आप देख रहे हैं, तो उनके अनुसार भी आज की तारीख में कुलदीप से ज़्यादा फास्ट बॉल डालने वाला अभी भारत में कोई नहीं है। तो लगभग किसी पॉइंट में ऑफिशियली तो 150 तक वो जा चुके हैं, लेकिन वो 152 तक जा चुके हैं। और जो हमारे साथी क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 150 की स्पीड क्या होती है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके सामने बॉल कहाँ कितनी दिखती है अंदाज से अगर आपके हाथ में आ गई, आपके बैट में आ गई तो ठीक है, नहीं तो जय हरी। तो ये आप मान के चलें कि और सबसे अच्छी बात जो कुलदीप की है वो ये है कि ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जिसमें पहला जो भारत में फास्ट बॉलर निकला, जिसको हम टेक्निकली फास्ट बॉलर कह सकते हैं, शकील जी मैं आपके सामने ही गुस्ता की कर रहा हूँ, वो था पांडुरंग सलगांवकर, महाराष्ट्र से खेलते थे। मैंने उसको फेस किया है, मैं उनको फेस कर चुका हूँ। वो इंडियन टीम में इसलिए पांडुरंग सलगांवकर नहीं आ पाए कि वो इराटिक बॉलर थे, उनकी बॉल कहाँ जाती थी, कहाँ पड़ती थी, क्या होता था वो समझ में नहीं आता था। फिर उसी के साथ एक सज्जन आए जो उनसे थोड़ा स्लोअर बॉलर थे, रामनाथ आपके पार्कर, करसन धाबी, करसन धाबी मेरे ही क्लब से खेलते थे बॉम्बे में और हम लोग साथ में खेलते थे।